रहती हूँ अधिकतर, बस कुछ नहीं करती हूँ। सुबह उठती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर पढ़ाने जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, बस सो रही। नहलाने जा रहे हैं लोग को, लाइट भी चल रही है। मैं नहा चुकी हूँ और मैं आपसे बोल रही थी कि मैं आपको मिलवाऊंगी अपने न्यू फैमिली मेंबर्स से, सो मिलवाती हूँ। रुकिए, मेरे लिए देखो फ्रेंड से फ्रेंड इडली सांभर है। हाय आयुष, स्नैपचैट चल रहा है दोस्तों, स्नैपचैट। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सब ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। तो बेसिकली मैं ठीक तो हूँ बट मैं आलसी हो गई हूँ और मैं इससे मैं व्लॉग नहीं बना रही थी अभी। सो आज संडे है एंड हम लोग का थोड़ा प्लान था बाहर जाने का, वो भी फुस हो गया रात में क्योंकि मेरी फ्रेंड के यहाँ थोड़े पंगे हो गए इस चक्कर में। और आज फ्रेंडशिप डे है, सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू ऑल। जब मैं 2-4 साल पहले तो यार बड़ा सेलिब्रेट करती थी फ्रेंडशिप डे, अब सारे फ्रेंड्स पता नहीं कहाँ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, या मैं ही कहाँ कहाँ हूँ, शायद मैं ही कहाँ कहाँ हूँ। तो अब तो इतना सेलिब्रेट नहीं होता है। सो बस आए हैं ब्रेड मक्खन खाने। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ना थैंक यू बोलना है आप लोगों को, कि आप लोगों की वजह से ना आप जो लास्ट वीडियो था उसमें व्यूज़ बहुत अच्छे गए हुए हैं। और इसके आगे मैं नहीं बोलूँगी कि यार अब वीडियो आएंगे ये वो, बट हाँ देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, देखते हैं, अभी देखते वाले जोन में हम। एंड मौसम भी बहुत अच्छा है और मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ पे हूँ अभी। संजय वन के साइड में जो रोड है, मैं यहाँ पे हूँ। थोड़ा स्किन का भी ध्यान दूंगी, मुझे तो लग रहा है मेरे डार्क सर्किल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ध्यान दूंगी थोड़ा स्किन का भी। पता नहीं किस चीज़ का ध्यान दे रही हूँ, कहाँ ध्यान है, बट हाँ मतलब आलसी हो रही हूँ, सो रही हूँ, खूब सोती रहती हूँ अधिकतर, बस कुछ नहीं करती हूँ। सुबह उठती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर पढ़ाने जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, बस सो रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, खा रही हूँ, बस यही चल रहा है। ये मेरा ब्रेड मक्खन आ गया है, तो मैं पीऊँगी मीठा जो वहाँ पे बन रहा है। सो घर आ गए थे और मुझे आप लोगों को मिलवाना है एक हमारे घर के न्यू मेंबर्स हैं, क्योंकि 4 हैं। और दूसरी चीज़ ये कि फिर मैंने कहा आज नहला देते हैं इन लोग को, क्योंकि काफ़ी देर से नहलाया नहीं, मेरा मुंह खुद सड़ चुका है लेकिन नहलाना तो पड़ेगा ही। ये नहलाने जा रहे हैं इन लोग को, लाइट भी चली गई है। हाँ चुन चुन, ये चौफू बैठे हैं, इन लोग को नहलाने जा रहे हैं। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये लोग भी नहा चुके हैं। कोको झाड़ू मछुओ वहाँ देखिए, छून छून चौफू, सब नहा चुके हैं। लैला भी नहा चुकी है। लैला अपना फेस दिखा दो बेटा अच्छा वाला। हाँ कह दो मैं नहा चुकी हूँ, कह दो कह मैं भी नहा चुका हूँ, सब हनी हनी कर चुके हैं। अब मैं भी जा रही हूँ नहाने एंड मिलती हूँ आपसे नहा के। और आज हमारा ओपी शर्मा का मैजिक शो देखने का प्लान था जो फुस हो चुका है। अरे प्लान फुस हो जाते, मैं कमिटमेंट करती हूँ सब फुस हो जाती है। तो मैं नहा चुकी हूँ और मैं आपसे बोल रही थी कि मैं आपको मिलवाऊंगी अपने न्यू फैमिली मेंबर्स से, सो मिलवाती हूँ अभी आपको, रुकिए। सो ये है मेरे न्यू फैमिली मेंबर। सो मैंने ना आज जाके पैरट्स ख़रीदे हैं क्योंकि मेरा मन था बहुत दिनों से। एक्चुअली पहले तो हम लोग 2 ले रहे थे, तो ये पिंजरा थोड़ा बड़ा है तो बहुत छोटे लगते 2, तो फिर मैंने उनकी फैमिली बढ़ाने के चक्कर में मैंने 4 ले लिए। मैंने कहा कि 4 होंगे ना तो उनको अच्छा भी लगेगा, बोर भी नहीं होंगे। सो मैं आपको बताती हूँ मेरे एक स्टोरी पैरट से रिलेटेड, एक बचपन का ट्रॉमा तो नहीं बोलूँगी बट हाँ वैसा ही कुछ। तो मैं बताती हूँ, मेरे को ना बचपन से मतलब जानवर तो मुझे पसंद थे, तो मैंने ना बचपन में मुझे पैरट से पसंद थे, मैंने कई बार पाले ठीक है। और मेरी जो बड़ी मम्मी थी, मतलब हैं सॉरी थी नहीं, मेरी जो बड़ी मम्मी है वो उड़ा देती थी, बिकॉज वो बोलती थी कि बच्चियों को ना पिंजड़े में नहीं रखना चाहिए, जो आई एग्री बिल्कुल, बट मुझे पसंद है यार, वो ऐसे तो रुकेंगे भी नहीं ना, बट मैं देखती हूँ। हाँ
तो फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक बार पापा ने मेरी जिद पे ना, मैं क्लास 3 में थी शायद से, पापा ने मेरी जिद पे 2 तोते मेरे को पिंजड़े के साथ खरीद के दिए, ठीक है। तो मैं वो 2 तोते पाली, अब मैंने वो 2 तोते पाले, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब बचपन से ना बट पैम्पर्ड चाइल्ड रही हूँ मैं, तो मैं वो 2 तोते सर्दियों में मैंने नल के नीचे ना, मैंने कहा बड़े गंदे लग रहे हैं मुझे, मैं नहला देती हूँ। तो मम्मी अपने काम वाम में बिजी थी, मैंने वो नहला दिए जाड़े में वो भी, और फिर मैंने धूप पे तो रख दिया, लेकिन वो तो ठंड आ गए, उनको तो ठंड लग गई। और मैं शायद क्लास 3 या क्लास 2 में थी, मतलब बहुत छोटी थी, अकल आजकल की क्लास 3 के बच्चों को बहुत अकल है, मुझे तो खैर मैं इतनी उम्र में भी अपने आप को बच्ची कहती हूँ, तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ। तो खैर मैंने उसको नहला दिया और वो जो है उनको जाड़ा लग गया। अब उनको जाड़ा लग गया तो फिर हुआ ये कि वो कपकपा रहे थे, तो मैंने धूप में उनको रख दिया, धूप में रख दिया, तो एक जो उनमें से था, मतलब फीमेल था या मेल था पता नहीं, वो सुस्त हो गया बिल्कुल। तो जबकि 15 दिन हो गए थे उनको लाए हुए हमें, वो सुस्त हो गया। फिर उसकी ना यार डेथ हो गई, और डेथ हो गई फिर उसके बाद उसको फिर हम लोगों ने उसका जो भी क्रेमेशन किया होगा वो मुझे याद नहीं है कैसे किया क्या किया। फिर मेरे को मतलब दूसरा तो था, दूसरा उसकी याद में सुस्त हो गया, वो तो ठीक भी था, मतलब 5-6 दिन ठीक रहा वो, उसकी याद में सुस्त हो के उसकी भी याद डेथ हो गई, क्योंकि इन लोगों में प्यार बहुत होता है ना आपस में। डेथ कैसे हुई, फिर उसको ना मैंने बाहर निकाला तोते को, और डेथ नहीं हुई थी मतलब सुस्त था, मैंने उसको बाहर निकाला और मैंने सोचा कि मैं खुद धूप में बैठ के इसको लेके बैठती हूँ। अब वो सुस्त एकदम से हो गया, तो ये जो मेरे घर के सामने पार्क है LIC पार्क, मुझे अभी याद है मैंने इसकी बाउंड्री में रखा था उसको, तो नीचे मेरे अंकल रहते थे रेंट पे, शुक्ला अंकल नाम है उनका, अभी भी वो मतलब दिखते हैं। तो वो बोले कि अभ्या तुमको बहुत पाप पड़ेगा, और ये तुमने क्या कर दिया, और तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने क्यों नहला दिया उनको, फलाना ढमकाना। अरे भैया मैंने नहीं सुना, और मेरे सेंस अभी वो पैम्पर्ड चाइल्ड जो होते ना वो थोड़े होते हैं बिगड़े हुए, बस सेंसिटिव बहुत होते हैं दिल के, मतलब ये रिलेट कर पाएंगे जो भी बहुत पैम्पर्ड हैं अपने घर में। तो वैसे सारे ही चाइल्ड पैम्पर्ड होते हैं, बट कुछ ज़्यादा ही पैम्पर्ड होते हैं। अच्छा अब जैसे अब है इतना पैम्पर्ड चाइल्ड नहीं है, अब है को ठीक है जैसे बाकी बच्चे होते हैं वैसा है, उनमें ज़्यादा हूँ। तो मतलब मेरे को कह दिया मैं सेंसिटिव हूँ इतनी, भैया मैं रोने लगी, मैं 2 दिन खाना पीना कुछ भी नहीं खाया, मतलब मैं रो रही हूँ ये क्या, मतलब मैंने तो पाप कर दिया मैंने तो ये। उस सदमे में मैंने कभी उसके बाद तोते नहीं पाले, कभी भी नहीं पाले, और उससे पहले एक बार पाता तो बड़ी मम्मी ने उड़ा दिया था। ये देखो यार ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है, एक तो डरे सहमे अभी बैठे हुए हैं, खाना पीना हम लोगों ने डाला था यहाँ पे, और ये बेबी शीट, बेबी परी बच्चों वाली शीट होती है, देखो मेरी मम्मी कितना संभाल के रखती है चीज़ें, तो ये शीट भी नीचे बिछाई हुई है, और ये है पिंजड़ा जो पता नहीं आपको समझ में आ रहा होगी नहीं, बट ये तोते बड़े हैं लाइक, मतलब छोटे तोते नहीं है ये, बड़े बड़े तोते, और इसमें ये इतने आ रहे हैं, मतलब इसमें 5-6 तोते और आ सकते हैं, इतना स्पेस है इसमें, इवन ज़्यादा ही है, देख लीजिए ऐसे समझ में आ रहा होगा कि नहीं पता नहीं। मैं आपको बोल रही थी ना कि मेरे को स्किन इन्फेक्शन हो जाता है अगर मैं धूप में ऐसे निकल जाऊँ, तो देखिए आज मैं पहली मतलब इतने दिनों बाद धूप में निकली थी, तो ये इन्फेक्शन मैं हाथ में दिखाती हूँ अभी आपको, ऐसे मुझे धूप मेरे को इतना खा डालती है। और मैं क्या मैं मतलब जल्दी जल्दी में थी तो मैंने मुंह बांधा नहीं था, मतलब मन तो था कि मैं बांध लूँ और हाथ भी, बट ग्लव्स पहनती हूँ मैं, तो मैं वो भी नहीं किया, दिखाती हूँ हाथ में, ये देख रहे हैं ये ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो मैं नीचे बैठी थी और मैंने देखा कि ये लोग जो हैं, ये लोग मतलब ये लोग हुआ है अब ऐसे गई था, एक दिन इसने कराया यस फेसियल, पहली सैलरी मिली कराया फेसियल, खूब मजा आया अपने आपको, बड़ी मम्मी कहीं नहीं थी, नहाए हो क्या आज ढंग से, खूब मजा आया, और उसके बाद फिर गंदा दिखने लगा। अब ये बोल रहा था यस, अब व्लॉग में तो बता नहीं सकते कि पहला कौन जाने वाला था कौन जाने वाला था भाई बताओ, ये पहले जाने वाले थे, इनसे दूसरे की छत में क्या ताड़ रहे हो पापा, अभी वो क्लेम कर दे कि अब तुम देखते हो
चुप चुप के जा रहे हैं। पतंग, और पतंग नहीं दिख रही, पतंग उड़ रही है। संडे का आनंद लिया जा रहा है। तोड़ कहते आजकल, पता है दोस्तों मैं ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ, मतलब मैं क्या बताऊँ, टूटे टूटे ब्लॉग बना रही हूँ यार। तो पापा को फिर ये मिठाई का डिब्बा मिला है, और हमारे घर एक और आया है मेंबर, नया मेंबर। मेंबर दिखाओ जरा आगे, आगे दिखाओ चश्मा के साथ। बढ़िया लग रहा है ना, ऐसे अच्छी लग रही। चश्मा लगाया करो बहन, तुम बिना चश्मा के नहीं लग रहा। ये मेरे लिए दिखाओ फ्रेंडशिप बैंड, दिखाओ फ्रेंडशिप बैंड। ये फ्रेंडशिप बैंड लाई है ये मेरे लिए, ये हमने इसके लिए खुद ही इससे मंगवा दी है। तुम तीन ही ग्लास पानी लाई, ये नहीं पीता। अरे तो पानी में पीते हो, क्या पीते हो करो। मम्मी ने बनाया इडली सांभर, हम लोग इडली सांभर खाने जा रहे हैं। आयुषी भी फोटो खींचने में लगी। इडली सांभर है, और हाय आयुष, देखो स्नैपचैट चल रहा है दोस्तों, स्नैपचैट। यार कितने ज्यादा लाल आते हैं मुझे। बाय बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बोलो, बाय। हमें आयुषी की स्कूटी जो मैं चलाने जा रही हूँ, ओला जो आयुषी खुद चलानी नहीं आती है अभी। बेचारा मेरा भाई ड्राइवर बना रही था हर जगह। ये लो, और भैया क्या पाकिस्तान से इतना सुअर है, क्या स्टोरी बताई इसको कि हम लोग पाकिस्तान से। हेलो दोस्तों, हाँ, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू ऑल। बोलो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू ऑल, टू यू ऑल। क्या रही बोल, तोता बन करके बना रहे, कैसे लग रहा है, सेम सेम कलर लग रही है ना इसमें। हाँ कुछ तो सेम लग रही है। ये देखो मैंने गिराया यार, मैं कुछ भी खाऊं गिराऊंगी जरूर। बाय बाय बहन, बाय। आना फिर है? हाँ ओके बाय। इन लोग को यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि हम लोग तो यहीं पे सोएंगे, तो इनको भी नई शीट लगा के यहाँ पे रख दिया हुआ है। तो फू छुन छुन नीचे हैं, ये लोग इन्हें कुछ करेंगे नहीं, और अगर उधर रखेंगे मानो बिल्ली आ गई तो। और यहाँ लैला भी है पहरा देने के लिए। तो व्लॉग को करते हैं एंड, मैं व्लॉग को एंड करना ही भूल गई और मैं करने लगी एडिटिंग। मैंने कहा एंड तो किया नहीं गई पे, फिर मैं एंड करने अब आई हूँ दोबारा से। सो व्लॉग को करते हैं एंड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए अपना, और पेशेंस बनाए रखी हूँ अपना। और सो व्लॉग करते हैं एंड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, वीडियो अच्छा था बिकॉज कंटेंट था यार, ऐसे क्या ही मैं जो समझ ना घर में क्या बनाऊँ। और डॉग्स को दिखाने में मतलब ये रहता है ना यार, सही बताऊँ ऐसा लगता है मुझे नज़र लगी, इसलिए मैं डॉग्स को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाती हूँ कि हाँ देखो। हाँ है तो कंटेंट मेरे पास, ऐसा नहीं है बहुत कंटेंट है, बट मैं चाहती नहीं हूँ कंटेंट आपको दिखाना, लेकिन कुछ स्पेशल हो तो मुझे लगता है कि हाँ दिखाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड पता नहीं है, मेरे जो मेरे मोहल्ले में एक लड़की है, उसने मेरे व्लॉग देखा, और क्योंकि हमारा जो घर है वहाँ पे हम लोग मोहल्ले पे ज़्यादा मतलब क्योंकि पॉश है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग बहुत रिजर्व है, निकलते नहीं हैं बाहर। तो फिर वो मुझे रोड के मतलब टोकी आज की, दीदी आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे हैं, मैंने कहाँ से देख लिया तुमने, तो कहती है देख लिया बस। तो हमने कहा कि अच्छा, तो बस ऐसे ही मज़ा आया मुझे ये देख के कि यार लोग देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स, वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, बस अब मैं बनाऊँगी व्लॉग्स, अब कब बनाऊँगी ये नहीं पता, बट आते रहेंगे व्लॉग, आप लोग ऐसा सपोर्ट बनाते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, और बस हर हर महादेव। चलिए दोस्तों बाय बाय। मोटी कितनी हो गई, वो मोटी थी तो मोटी हो गई, ऐसे ही मेरे को बोलता कहता है कि देखो यार ये पहले पतली हुई थी फिर मोटी हो गई और बिल्कुल तुम्हारे जैसी। ये कौन है? अच्छा मेरे पापा, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम जो है बैठे हुए थे नीचे, पापा को पहले वीडियो कॉल में दिखा दिया हमने, पापा पे लेंगे अब। यहाँ से इतनी अच्छी ग्रीनरी दिख रही है, यही कारण है मच्छर का। कंटाप बड़े खींच के जबा। और ये महारानी
पतंग उड़ाती हूँ।